अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नेम है सेट एंड फंक्शंस। अब सबसे पहले हम सेट को डिफाइन कर लेते हैं। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। अब डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है? डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है कि सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। सेट में एक एलिमेंट जस्ट वन टाइम आएगा, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर टू है तो वो सेट में टू टाइम्स नहीं आएगा या थ्री या फोर टाइम्स नहीं आएगा। एक एलिमेंट सेट में जस्ट एक ही बार आएगा। इसके बाद वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड का मतलब है आपको सेट के एलिमेंट्स लिखने में किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्लास के क्लेवर स्टूडेंट्स का सेट बनाने का कहा जाए तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि कोई स्टूडेंट किसी एक की नज़र में क्लेवर हो लेकिन किसी दूसरे की नज़र में क्लेवर ना हो। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल आपको एक सिटी के या एरिया के कोई रिच पीपल्स का कहा जाए के सेट बनाए तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं चेक कर सकते कि कौन इस कैटेगरी में आएगा और कौन इस कैटेगरी में नहीं आएगा। अब यहां से फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने आपको दो एग्जाम्पल दी ये वेल डिफाइंड नहीं है। इसके अलावा अगर आपको कहा जाए देखें क्लास के ऐसे स्टूडेंट्स का सेट बनाए जिनका नेम किसी स्पेसिफिक अल्फाबेट से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाए कि क्लास के ऐसे स्टूडेंट्स का सेट बनाएं जिनका नेम अल्फ़ाबेट एस से स्टार्ट होता है, तो ये आप इजीली सेट बना सकते हैं, इसमें किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। या फिर आपको कहा जाए कि वीक में डेज के नेम का सेट बनाएं या फिर जो ईयर में मंथ्स हैं उनके नेम का एक सेट बनाएं, तो आप इजीली बना सकते हैं, उसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो सेट की डेफिनेशन में ये जो दो वर्ड हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। अ वेल डिफाइंड, सबसे पहले सेट के एलिमेंट्स किस तरह के होने चाहिए? वेल डिफाइंड होने चाहिए, यानी कि एलिमेंट्स लिखने में किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो, और सेट के एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। डिस्टिंक्ट का मतलब सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स देख लेते हैं। सेट की डेफिनेशन आपके पास है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट को हम किसी भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पास एक सेट है, मैंने इसको ए से रिप्रेजेंट किया। अब कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एन, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का सेट, नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे? वन से, वन टू थ्री एंड सो ऑन, काउंटिंग नंबर्स भी कह सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है सेट ऑफ होल नंबर्स, जीरो वन टू थ्री कहाँ से स्टार्ट होंगे? ये जीरो से। इसी तरह नेक्स्ट सेट हमारे पास है सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में क्या होगा? पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे और नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर भी आएंगे और नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा इवन नंबर्स का सेट, ऐसे नंबर्स जो टू के टेबल पे कंप्लीटली डिवाइड होंगे, ये आपके पास होंगे इवन नंबर्स। इसी तरह ऐसे नंबर्स जो टू के टेबल पे कंप्लीट डिवाइड नहीं होंगे, ओड नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स का सेट देखें। प्राइम नंबर्स क्या है? ऐसे नंबर्स जिनके दो पॉजिटिव डिवाइजर होते हैं। देखें प्राइम नंबर्स में वन इंक्लूड नहीं होगा,
वन इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वन का जस्ट एक ही पॉजिटिव डिवाइजर है जो कि वन है। तो प्राइम नंबर स्टार्ट होंगे टू से। ऐसे नंबर्स हैं प्राइम जिनके कितने पॉजिटिव डिवाइजर हैं, टू पॉजिटिव डिवाइजर हैं। टू यानी कि या तो वो अपने टेबल पे आएंगे या फिर वन के टेबल पे आएंगे। थ्री इसके बाद आ जाएगा, फाइव, सेवन, सेवन के बाद नाइन इसमें इंक्लूड होगा या नहीं, बिल्कुल नहीं, नाइन नहीं आएगा क्योंकि नाइन के डिवाइजर्स में थ्री भी आता है तो दो पॉजिटिव डिवाइजर नहीं है नाइन के, नाइन के डिवाइजर्स दो से ज्यादा हैं। टू आ गया, थ्री, फाइव, सेवन, इलेवन, सो ऑन। नेक्स्ट हमारे पास थर्टीन आएगा, सेवनटीन, नाइनटीन, ट्वेंटी थ्री, इस तरह चलते जाएंगे। तो ऐसे नंबर्स जिनके कितने डिवाइजर हों, जिनके दो पॉजिटिव डिवाइजर्स की बात हो रही है, वो आपके पास प्राइम नंबर्स होंगे। इसी तरह कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके दो से ज्यादा पॉजिटिव डिवाइजर हों, जैसे फोर, अब फोर का डिवाइजर वन भी है, फोर भी है और टू भी है, तीन डिवाइजर हैं। इसी तरह सिक्स, एट, नाइन, इसके बाद टेन, तो ऐसे नंबर्स जिनके दो से ज्यादा पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे वो कंपोजिट नंबर्स होंगे। और वन जो है वो प्राइम नंबर्स में भी नहीं आएगा और कंपोजिट नंबर्स में भी नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेट आ जाएगा रैशनल नंबर्स का, नंबर्स विच कैन बी रिटन एज द फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू पी ओवर क्यू, वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। पी और क्यू जो है ये सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करें एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसे नंबर्स जो के फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाएं जबकि न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल टू ओवर फाइव, ये आपके पास टू भी इंटीजर है, थ्री भी इंटीजर है, इंटीजर्स के कोशेंट की फॉर्म में लिखा गया ये नंबर, इसलिए ये आपके पास रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट टू ओवर थ्री, अब ये जो न्यूमिरेटर में वैल्यू है स्क्वायर रूट टू, ये सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है, ये आपके पास रैशनल नंबर है। इरेशनल नंबर्स जो रैशनल नहीं होंगे वो आपके पास इरेशनल होंगे। नॉट इक्वल टू पी ओवर क्यू, वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि ऐसे नंबर्स जो इंटीजर्स के कोशेंट की फॉर्म में ना लिखे जाएं वो आपके पास इरेशनल नंबर्स होंगे। जैसे आपके पास ये आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है लेकिन यहां पे न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स नहीं है। लास्ट पे आपके पास आ गया रियल नंबर्स का सेट, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज कॉल्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में क्या होगा, रैशनल नंबर्स भी आ जाएंगे और इरेशनल नंबर्स भी, और रैशनल नंबर्स में ये सारे सेट इंक्लूड हैं क्योंकि फॉर एग्जांपल टू लिखे आपके पास, आप इसको लिख सकते हैं टू ओवर वन, तो टू ओवर वन ये रैशनल नंबर होगा क्योंकि न्यूमिरेटर भी इंटीजर से है और डिनोमिनेटर भी इंटीजर से है। इसका मतलब नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स का सेट, इवन, ओड, प्राइम, कंपोजिट, ये सारे सब सेट हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का। सबसेट का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जांपल एक सेट ए है जिसके एलिमेंट है वन टू थ्री, इसी तरह एक सेट बी है जिसके एलिमेंट वन टू थ्री फोर फाइव।
अब सेट ए के एलिमेंट सेट बी में आ रहे हैं, ए के सारे एलिमेंट सेट बी में आ रहे हैं, इसका मतलब ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी, ए जो है वो सेट बी का सबसेट है। तो ये जो सारे सेट हैं ये सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स में आ जाते हैं, तो ये सारे सबसेट हैं रैशनल नंबर्स का, और रैशनल और इरैशनल का जब आप यूनियन लेंगे तो सेट ऑफ रियल नंबर्स आ जाएगा। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं 5.1। अब एक्सरसाइज 5.1 में हमने यूनियन फाइंड करना है, इंटरसेक्शन एंड कंप्लीमेंट, यूनियन इंटरसेक्शन और कंप्लीमेंट फाइंड करना है हमें सेट गिवन है। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सेट गिवन है x, इसमें एलिमेंट है 1, 4, 7, 9। इसी तरह सेट y गिवन है, इसमें एलिमेंट है 2, 4, 5, 9। सबसे पहले हमने x यूनियन y फाइंड करना है। अब यूनियन आप किस तरह से फाइंड करते हैं, दोनों सेट को मिला के x यूनियन y, सबसे पहले आ जाएगा x वाला सेट 1, 4, 7, 9, यूनियन सेट y आ जाएगा 2, 4, 5, 9। अब यूनियन किस तरह से फाइंड करना है, इन दोनों सेट्स को मिला के आपने एक सेट बना लेना है, और एलिमेंट्स कोई भी एक तो ऑर्डर में लिखेंगे यानी कि अरेंज करके लिखेंगे, और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। सेट की डेफिनेशन में कहा था कि जो एलिमेंट्स होंगे सेट में डिस्टिंक्ट होंगे। अगर 9 दोनों में आ रहा है तो 9 आपने 2 times नहीं लिखना, 9 जस्ट 1 time ही आएगा। अरेंज करके आपने मिला के एक सेट बना देना, या गया 1, या गया 2, इसी तरह 4, 5, 7, 9। अब ये जो सेट मैंने लिखा है x यूनियन y, ये एक ऐसा सेट है जिसमें सेट x के भी सारे एलिमेंट आ रहे हैं, 1, 4, 7, 9, 1, 4, 7, 9। इसी तरह सेट y के भी सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, 2, 4, 5, 9, 2, 4, 5, 9। तो यूनियन आप इस तरह से फाइंड करेंगे, दोनों सेट्स को मिला के अरेंज करके एक सेट बना देंगे, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। अब हमने फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y। तो यहां से इंटरसेक्शन में क्या होगा, पहले हम सेट लिख लेते हैं। x सेट है 1, 4, 7, 9, इसी तरह इंटरसेक्शन y सेट है 2, 4, 5, 9। अब इंटरसेक्शन में क्या होगा, कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में हो। अब देखें 4 दोनों सेट्स में आ रहा है, इसी तरह 9 भी दोनों सेट्स में आ रहा है, तो 4 भी आ जाएगा और 9। यूनियन में कंबाइन करके एक सेट बना देंगे, इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे। तो यहां पे 4 दोनों में सेम है और 9 सेम है, तो 4 and 9। इसी तरह नेक्स्ट हमने y यूनियन x फाइंड करना है, y यूनियन x, तो वही वैल्यू आ जाएगी, जस्ट यहां पे y वाला सेट पहले अब आ जाएगा 2, 4, 5, 9, यूनियन x वाला सेट 1, 4, 7, 9। यूनियन जब फाइंड करेंगे 1, 2, 1, 2, 4, 5, 7, 9। अब यहां से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि x यूनियन y और y यूनियन x दोनों सेम होंगे, x यूनियन y इज इक्वल टू y यूनियन x। इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, यूनियन की ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि x यूनियन y इक्वल होगा y यूनियन x के। इसी तरह अब हम y इंटरसेक्शन x फाइंड कर लेते हैं, y इंटरसेक्शन x,
तो वाई वाला सेट आ जाएगा 2, 4, 5, 9, इंटरसेक्शन एक्स सेट आ जाएगा 1, 4, 7, 9। अब इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट लिखने हैं जो दोनों में सेम हो, 4, इसी तरह 9। इंटरसेक्शन जब आपने y इंटरसेक्शन x फाइंड किया तो वही एलिमेंट आए हैं जो x इंटरसेक्शन y में आए हैं। तो इसका मतलब x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू y इंटरसेक्शन x। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन की। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सेट गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्स सेट गिवन है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17। ऐसे प्राइम नंबर्स लिखने हैं जो 17 के इक्वल या फिर 17 से छोटे हों। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स सेट। प्राइम नंबर्स 2 से स्टार्ट होंगे, 2, 3, 5, 7, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17। अगर यहाँ पे लेस देन 17 कहा गया होता तो फिर 17 इंक्लूड नहीं होना था। यहाँ पे हमें लेस देन और इक्वल टू 17 का, तो फिर इसमें 17 भी इंक्लूड होगा। इसी तरह अब हम सेट वाई देख लेते हैं। सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स, अब नेचुरल नंबर्स का सेट कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। तो फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स 1 से लेके 12 तक आ जाएंगे, 12 तक। अब यहां से हमने फाइंड क्या करना है, एक्स यूनियन वाई फाइंड कर लेते हैं। एक्स सेट हमें गिवन है 2, 3, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। इसी तरह यूनियन वाई सेट हमें गिवन है 1 से लेके 12 तक। 1 से 12 तक इसमें सारे एलिमेंट हैं। अब दोनों का यूनियन फाइंड करना, यानी कि दोनों को मिला के हमने एक सेट बना देना है। ऐसा सेट बनाना है जिसमें इन दोनों सेट्स के एलिमेंट इंक्लूड हों। 1 से लेकर 12 तक आप ऐसे लिख लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब 1 से 12 तक जो मैंने एलिमेंट लिखे हैं, इसमें 2 भी आ गया, 3 भी, 5 भी, 7 भी और 11 भी। तो 2 से लेके ये जो 11 तक एलिमेंट्स हैं ये इसमें इंक्लूड हो गए हैं। आगे हम लिख देते हैं 13 एंड 17। अब देखें ये जो सेट है इसमें ये वाले सारे एलिमेंट भी आ रहे हैं 1 से लेके 12 तक, और इस सेट के सारे एलिमेंट्स भी इसमें इंक्लूड हैं। तो ये हमने x यूनियन y फाइंड कर लिया, y यूनियन x। तो y यूनियन x में क्या होगा, y वाला सेट पहले आ जाएगा। y सेट हमारे पास है 1, 2, 3, 12 तक। यूनियन x सेट हमारे पास है 2, 3, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। तो इसमें भी हमारे पास यही एलिमेंट्स आ जाएंगे क्योंकि x यूनियन y और y यूनियन x सेम है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, उसके बाद आ जाएगा थर्टीन एंड सेवनटीन। तो यहाँ से हमने एक्स यूनियन वाई और वाई यूनियन एक्स फाइंड कर लिया। अब एक्स इंटरसेक्शन वाई और वाई इंटरसेक्शन एक्स फाइंड कर लेते हैं। एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो सेट एक्स आ जाएगा यहाँ से, एक्स सेट में टू थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन सेवनटीन, इंटरसेक्शन सेट वाई आ जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। अब इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। इंटरसेक्शन में दोनों के कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेट में आ रहे हो। तो यहाँ से सबसे पहले टू आ जाएगा, टू दोनों में आ रहा है, इसी तरह थ्री फाइव सेवन और इलेवन, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इन दोनों सेट्स में आ रहे हैं। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई आ गया, वाई इंटरसेक्शन एक्स फाइंड कर लें। पहले सेट वाई आ जाएगा वन टू थ्री, कहाँ तक, ट्वेल्व तक। इंटरसेक्शन सेट एक्स आ जाएगा टू थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन सेवनटीन। अब इंटरसेक्शन में यही एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि एक्स इंटरसेक्शन वाई और वाई इंटरसेक्शन एक्स दोनों सेम है। टू थ्री फाइव सेवन इलेवन। अब हमने इसका क्वेश्चन नंबर टू भी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर थ्री पे आ जाते हैं। एक्स इज इक्वल टू फाइव एंड वाई इज इक्वल टू जी पॉजिटिव। अब फाई का क्या मतलब है? फाई का मतलब है एम्प्टी सेट। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर थ्री। एक्स इज इक्वल टू फाई, फाई का मतलब है ये सेट एम्प्टी है। इसी तरह नेक्स्ट सेट हमारे पास है वाई इज इक्वल टू जी पॉजिटिव। वाई सेट है जी पॉजिटिव, यानी कि इंटीजर्स हमने लिखने हैं पॉजिटिव वाले। तो वन टू थ्री एंड सो ऑन, ये हमारे पास सेट y आ गया जो कि z पॉजिटिव था। इंटीजर्स लिखने हैं लेकिन जस्ट पॉजिटिव, जीरो इंक्लूड नहीं होगा। जीरो जो है वो ना पॉजिटिव इंटीजर्स में आएगा ना ही नेगेटिव इंटीजर्स में आएगा। तो यहां से y इज इक्वल टू z पॉजिटिव एंड t इज इक्वल टू o पॉजिटिव। तो t सेट यहां से आ जाएगा o पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव ओड नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो टू के टेबल पे नहीं आते। यहां से एक्स सेट वाई सेट और टी सेट हमने लिख लिया। अब इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, हमने फाइंड करना है एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई। तो यहां से एक्स आ जाएगा एम्प्टी सेट यूनियन, वाई आ जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव। अब यहाँ से जब आप यूनियन फाइंड करेंगे तो ये मैं इसके आगे लिख रहा हूँ एलिमेंट्स, ये एम्प्टी सेट है तो आपके पास यही सेट आ जाएगा, यानी कि वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन। एक्स यूनियन वाई में आपके पास, क्योंकि x एम्प्टी सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो आपके पास यही सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसी तरह अब आपने x यूनियन t फाइंड करना है। x यूनियन t, x वाला सेट एम्प्टी, यूनियन t सेट देख लेते हैं वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन, ये एलिमेंट्स चलते जाएंगे।
अब जब आप इनका यूनियन लेंगे तो यही सेट आ जाएगा, क्योंकि ये एम्प्टी सेट है एक्स वाला, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये चलते जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास आ गया वाई यूनियन टी, वाई यूनियन टी, सेट वाई देख लेते हैं। सेट वाई हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एलिमेंट चलते जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास यूनियन सेट है टी वाला, टी सेट है जी 1, 3, 5, 7 ये एलिमेंट्स चलते जाएंगे। अब हमने इनका यूनियन फाइंड करना है, यानी कि वो एलिमेंट्स लिखने हैं दोनों को मिला के एक सेट बना देना। अब ये वाले सारे एलिमेंट ऑलरेडी इसमें आ रहे हैं, यानी कि अगर आप लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 चलते जाएंगे एलिमेंट्स, तो इस सेट में ये वाले सारे एलिमेंट्स भी आ गए और 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये एलिमेंट्स भी इसमें आ जाएंगे, तो ये वाई यूनियन टी आ जाएगा। इसी तरह एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड कर लेते हैं। एक्स वाला सेट है एम्प्टी, वाई सेट हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5 ये एलिमेंट्स चलते जाएंगे। अब यहां से देखें, इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों में सेम हो, लेकिन फर्स्ट सेट यहां पे एम्प्टी है, यानी कि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों सेट्स में सेम हो, तो ये आपके पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। एक्स इंटरसेक्शन वाई एम्प्टी सेट आ जाएगा। एक्स इंटरसेक्शन टी, एक्स इंटरसेक्शन टी, तो यहां से एक्स एम्प्टी सेट है, यह आ गया एम्प्टी सेट। इंटरसेक्शन टी सेट हमारे पास है 1, 3, 5, 7 ये एलिमेंट्स चलते जाएंगे, यानी कि ये ओड नंबर्स हैं, जस्ट पॉजिटिव, तो इसमें भी इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट, क्योंकि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों सेट्स में आ रहा हो, फर्स्ट सेट एम्प्टी है, तो इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ जाएगा। इसका मतलब जब आप इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं तो दोनों में से कोई भी एक सेट अगर एम्प्टी आ गया, दोनों सेट भी एम्प्टी हो, तब भी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आएगा, या फिर कोई एक सेट भी अगर एम्प्टी आ गया तो दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो एम्प्टी सेट आ जाएगा। नेक्स्ट वाई इंटरसेक्शन टी, वाई इंटरसेक्शन टी, तो वाई सेट है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स चलते जाएंगे। इसी तरह सेट टी है हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7 ओड नंबर्स। अब इनका इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में सेम हो, तो 1 सेम है, 3 सेम है, 5, 7, 9 ये वाला सेट जो है ये सारे एलिमेंट्स इस सेट में भी आ रहे हैं, तो ये आ जाएगा 1, 3, 5, 7 ये आपके पास एलिमेंट्स आ गए। अब इसी तरह एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व कर लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सेट गिवन है, सबसे पहले u इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, एंड 3 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन इक्वल टू 25। अब
ये जो सेट लिखने का तरीका है, एक सेट को लिखने के तीन तरीके हैं। अब तीन तरीके क्या हैं? सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर वन में सेट गिवन थे, यानी कि एलिमेंट्स की फॉर्म में, तो वो मेथड आपके पास है टेबुलर मेथड या टेबुलर फॉर्म। सेट को एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखना टेबुलर मेथड है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर टू में जो स्टेटमेंट की फॉर्म में हमें गिवन था सेट, वो डिस्क्रिप्टिव मेथड है। और ये क्वेश्चन नंबर फोर में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये फॉर्म हमारे पास है सेट बिल्डर नोटेशन। इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन, यानी कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स हैं। कौन से नेचुरल नंबर्स हैं? ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन इक्वल टू 25। यानी कि अगर इस सेट के मैं एलिमेंट्स लिखूं 3 से ग्रेटर, तो फिर स्टार्ट कहां से होंगे? 4 से। एंड लेस देन इक्वल टू 25, इसका मतलब ये 25 तक होंगे। अगर जस्ट लेस देन होता तो फिर एलिमेंट्स आने थे 24 तक। लेस देन और इक्वल टू 25, तो इसका मतलब 25 भी इंक्लूड होगा। यहाँ पे जस्ट 3 इज लेस देन एक्स है, यहाँ इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब 3 इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट सेट देख लेते हैं। एक्स सेट गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम एंड एक्स इज ग्रेटर देन 8 एंड लेस देन 25। ऐसे प्राइम नंबर जो 8 और 25 के दरमियान में आ रहे हैं, 8 से ग्रेटर और 25 से लेस। तो 8 से ग्रेटर, सबसे पहले 8 से ग्रेटर प्राइम कौन सा होगा? 9 भी प्राइम नहीं है, 10 भी नहीं है, 11, 11, 13, 17, 19 एंड 23। ये वो प्राइम्स हैं जो 8 और 25 के दरमियान में आ रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट सेट देख लेते हैं। वाई एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर्स एंड एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 4 एंड लेस और इक्वल टू 17। यानी कि ऐसे एलिमेंट्स होल नंबर्स जो के 4 और 17 के दरमियान वाले भी, 4 भी इंक्लूड होगा और 17 भी इंक्लूड होगा। तो y सेट हमारे पास आ गया 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कहाँ तक? 17 तक। अब यहाँ से हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x यूनियन y कम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमने x यूनियन y का कम्प्लीमेंट फाइंड करना। अब कम्प्लीमेंट किस तरह से फाइंड करते हैं? पहले हम x यूनियन y फाइंड कर लेते हैं। x यूनियन y, x सेट हमारे पास है 11, 13, 17, 19, 23। इसी तरह y सेट है हमारे पास 4, 5, 6, 7, कहाँ तक आएंगे ये एलिमेंट्स? 17 तक। यानी कि 4 से लेके 17 तक सारे एलिमेंट्स यूनियन जब फाइंड करेंगे 4 से 17 तक, तो सारे आ जाएंगे 4, 5, 6, 17 तक। अब देखें ये वाले सेट के सारे एलिमेंट्स आ गए। यहाँ पे 11 भी इनमें आ गया, 13 भी आ गया, 17 भी आ गया। कौन से एलिमेंट रह गए? 19 रह गया और 23। यानी कि इसके साथ अब आ जाएगा 19, 23। एक्स यूनियन वाई। अब एक्स यूनियन वाई के कम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? कम्प्लीमेंट आप किस तरह से फाइंड करेंगे? एक्स यूनियन वाई का कम्प्लीमेंट
इक्वल आ जाएगा u माइनस एक्स यूनियन y, यानी कि जिस भी सेट का आपने कंप्लीमेंट फाइंड करना होगा उसको आपने माइनस करना है u में से। b कंप्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस b, इसी तरह अगर x कंप्लीमेंट फाइंड करना है तो u माइनस x, और y कंप्लीमेंट फाइंड करना है तो u माइनस y। तो जिस भी सेट का आपने कंप्लीमेंट फाइंड करना है उसको आपने u में से माइनस कर लेना। तो यहाँ पे ये सेट u आ गया, u माइनस x यूनियन y का आंसर ये है। तो u सेट हमारे पास है 4, 5, 6, कहाँ तक एलिमेंट्स आएंगे 25 तक। इसमें से माइनस करना है x यूनियन y वाला सेट 4, 5, 6, 17 तक, फिर 19 और 23। अब माइनस आपने किस तरह से करना है, डिफरेंस जब फाइंड करना है तो वो एलिमेंट्स आएंगे जो फर्स्ट सेट में होंगे और सेकंड सेट में नहीं होंगे। यानी कि आपने वो एलिमेंट्स देखने हैं जो फर्स्ट सेट में आ रहे हों और सेकंड सेट में ना आ रहे हों। तो यहां से अब ये जो एलिमेंट्स हैं 4 से लेकर 17 तक, ये सारे सेकंड सेट में भी आ रहे हैं। 18 आपने तरतीब से देखना है स्टार्ट से। अब 4 से लेकर 17 तक तो सारे एलिमेंट इसमें भी आ रहे हैं। 18 ऐसा एलिमेंट है जो फर्स्ट सेट में आ रहा है और सेकंड सेट में नहीं आ रहा। 18 के बाद 19 भी इसमें आ रहा है, 20 के बाद 21 भी इसमें आ रहा है और इस सेट में नहीं आ रहा। 21, 22, 23 भी इसमें आ रहा है, 23 नहीं होगा। 24 और 25 वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो फर्स्ट सेट में हो और सेकंड सेट में ना हो। तो ये वो एलिमेंट्स मैंने लिख लिए हैं जो फर्स्ट सेट में आ रहे हैं और सेकंड सेट में नहीं आ रहे। तो ये हमने एक्स यूनियन वाई का कंप्लीमेंट फाइंड कर लिया। इसी तरह अब हमने सेकंड इसके पार्ट में एक्स का कंप्लीमेंट फाइंड करना है, वाई का कंप्लीमेंट, और फिर उनका इंटरसेक्शन लेना। एक्स कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कंप्लीमेंट, यानी कि अब इसका क्या मतलब है, पहले आपने सेपरेटली दोनों का कंप्लीमेंट फाइंड करना है, फिर जो आंसर आएंगे उनका आपस में आपने इंटरसेक्शन फाइंड कर लेना। तो ये आ जाएगा एक्स कंप्लीमेंट यू माइनस एक्स, यू वाला सेट है जी 4 से लेके 25 तक। इसी तरह एक्स सेट हमारे पास है 11, 13, 17, 19 एंड 23। अब u माइनस x का क्या मतलब है, वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो u सेट में आ रहे हैं और x सेट में नहीं आ रहे। तो सबसे पहले 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे एलिमेंट्स आएंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 नहीं आएगा क्योंकि 11 फर्स्ट सेट में आ रहा है और सेकंड सेट में भी आ रहा है। हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो फर्स्ट सेट में आ रहे हैं और सेकंड सेट में नहीं आ रहे। 11 के बाद 11 नहीं आएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। 13 भी नहीं आएगा क्योंकि 13 इसमें आ रहा है। 14, 15, 16, 17 भी नहीं आएगा, 18 आ जाएगा। 19 भी नहीं आएगा, 20, 21, 22, 23 भी नहीं आएगा, 24 और 25। तो ये आपके पास x का कंप्लीमेंट आ गया। इसी तरह y कंप्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। u माइनस y सेट u हमें गिवन है 4 से लेके 25 माइनस y सेट हमें गिवन है 4 से लेके 17 17 तक। अब वो एलिमेंट्स आएंगे जो फर्स्ट सेट में आ रहे हैं और सेकंड सेट में नहीं आ रहे।
फोर से लेके 17 तक सारे एलिमेंट सेकंड सेट में आ रहे हैं, तो ये आ जाएगा 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यानी कि 18 से लेके 25 तक सारे एलिमेंट्स फर्स्ट सेट में आ रहे हैं और सेकंड सेट में नहीं आ रहे। एक्स का कंप्लीमेंट भी आ गया, वाई का कंप्लीमेंट भी आ गया। अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। एक्स इंटरसेक्शन वाई का, एक्स कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई का कंप्लीमेंट, तो जो दोनों आंसर आए हैं हम इनका इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा सबसे पहले एक्स कंप्लीमेंट वाला सेट, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 के बाद 12, 14, 15, 12, 14, 14 के बाद आ गया 15, 15 के बाद 16, 18, 20, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 21, 22, 24, 25। इसका हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है वाई कंप्लीमेंट का जो आंसर है 18 से लेके 25 तक, 18, इसी तरह 19, 20, कहाँ तक एलिमेंट्स आएंगे 25 तक, 25 तक सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 18 से लेके 25। अब यहाँ से हमने दोनों में कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं, तो अब यहाँ पे है 18 से 25 तक एलिमेंट, 18 से मैं 20, 21, 22, 24 और 25, 18 दोनों में आ रहा है, 20, 21, 22, 24, 25, तो ये आपके पास x कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन y कंप्लीमेंट आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमने x इंटरसेक्शन y का कंप्लीमेंट निकालना है, x इंटरसेक्शन y का कंप्लीमेंट थर्ड पार्ट, x इंटरसेक्शन y निकाल लेते हैं पहले, x इंटरसेक्शन y, x सेट हमारे पास है जी 11, 13, 17, 19, 23, इंटरसेक्शन y सेट हमारे पास आ जाएगा 4, 5, 6, 17 तक। अब यहाँ से दोनों में सेम एलिमेंट हमने देखने हैं, तो ये आ जाएगा सबसे पहले 11 दोनों में सेम है, 13 दोनों में सेम है और 17, 11, 13, 17 आपके पास कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब हमने इसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है, यानी कि x इंटरसेक्शन y कंप्लीमेंट में क्या आएगा, u माइनस x इंटरसेक्शन y, जो x इंटरसेक्शन y का आंसर आया आपने इसको u में से माइनस कर लेना। u वाला सेट लिख लेते हैं 4, 5, 6, कहाँ तक 25 तक, और यहाँ से x इंटरसेक्शन y के एलिमेंट्स हमारे पास हैं 11, 13, 17। अब इन तीन एलिमेंट्स के अलावा इस सेट के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 4, 5, 6, ये 10 तक आएंगे, उसके बाद 11 नहीं आएगा, 12, 14, 15, 16, 18, 19 और ये एलिमेंट्स कहाँ तक आएंगे 25 तक। यानी कि देखें एलिमेंट्स किस तरह से लिखे हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो फर्स्ट सेट में आ रहे हैं और सेकंड सेट में नहीं आ रहे, तो 11, 13 और 17 के अलावा जो सारे एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट सेट में आ रहे हैं और सेकंड सेट में नहीं आ रहे। तो ये हमने एलिमेंट्स लिख लिए 4, 5, 6 से लेकर 10 तक, ये सारे एलिमेंट्स आने हैं।
19 से भी 25 तक सारे एलिमेंट्स आएंगे। इसी तरह अब हम फाइंड कर लेते हैं x कम्प्लीमेंट यूनियन y का कम्प्लीमेंट। तो ये आपके पास आ जाएगा x कम्प्लीमेंट यूनियन y कम्प्लीमेंट। अब देखें x कम्प्लीमेंट और y कम्प्लीमेंट हमने निकाला हुआ है, तो अब आपने इन दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड कर लेना। x कम्प्लीमेंट आप बेशक यहाँ पे दोबारा से निकाल लें, x कम्प्लीमेंट ये आ जाएगा, इसी तरह y कम्प्लीमेंट ये आ जाएगा। हम x कम्प्लीमेंट और y कम्प्लीमेंट का यूनियन फाइंड कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा जी x कम्प्लीमेंट यूनियन y का कम्प्लीमेंट। जी x कम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास ये आया 4, 5, 6, 10 तक सारे एलिमेंट है, यहाँ पे भी हमने लिखा हुआ 10 के बाद आना है 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24 और 25। इसका हमने यूनियन फाइंड करना है y कम्प्लीमेंट के साथ, यानी कि 18 से लेके 25 तक सारे एलिमेंट, 18, 19 कहाँ तक, 25 तक, 18 से 25 तक सारे एलिमेंट, यानी कि अब मिला के एक सेट बना देंगे। सबसे पहले 4, 5, 6 ये एलिमेंट्स 10 तक आ जाएंगे, उसके बाद 12, 14, 15, 16। अब 18 से लेके आगे 25 तक इसमें सारे एलिमेंट्स हैं, तो 18 से आगे 25 तक सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, 18, 19, 20, 25। देखें ये सेट किस तरह से आया, इस सेट में 18 से 25 तक ये सारे नंबर्स भी आ रहे हैं और ये वाले सारे नंबर्स भी इस सेट में इंक्लूड हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं। x वाला सेट है 2, 4, 6, 8, 20 तक, क्वेश्चन नंबर 5। x सेट है 2, 4, 6, 8, ये इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर्स कहाँ तक, 20 तक, यानी कि 8 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा, फिर 12, 14, 16, 18 और फिर 20। इसी तरह y सेट गिवन है 4, 8, 12, y सेट के मैं सारे एलिमेंट्स यहाँ लिख रहा हूँ 4, 8, 12। अब देखें 4 का डिफरेंस है, 12 के बाद आएगा 16, 16 के बाद आएगा 20 और 20 के बाद 24। तो ये y सेट के एलिमेंट्स आ गए। अब हमने x माइनस y और y माइनस x करना है, तो ये सिंपल है, जब आप x माइनस y करेंगे तो x वाला सेट 2, 4, 6, 8, 20 तक है, माइनस 4, 8, 12, 16, 20, 24। अब वो एलिमेंट्स हमने लिखने हैं जो फर्स्ट सेट में आ रहे हों और सेकंड सेट में ना आ रहे हों। माइनस करना जब हमने होता है, यानी कि डिफरेंस फाइंड करना होता है, तो वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो फर्स्ट सेट में आ रहे हों और सेकंड सेट में ना आ रहे हों। 2 आ जाएगा, 4 दोनों में आ रहा है, 6 आ जाएगा, 8 भी आ रहा है, इसके बाद आ जाएगा जी 10, 10 के बाद 12 दोनों में आ रहा है, 12 नहीं आएगा, 14, 16 दोनों में आ रहा है, 16 नहीं आएगा, 18 और 20 भी इन दोनों में आ रहा है, 24 नहीं आएगा। देखें हमने वो एलिमेंट लिखने हैं जो पहले सेट में आ रहे हैं और दूसरे में नहीं आ रहे, तो 24 दूसरे सेट में आ रहा है, पहले सेट में नहीं आ रहा। हमने वो एलिमेंट लिखने हैं जो फर्स्ट सेट में आ रहे हैं और सेकंड सेट में नहीं आ रहे। x माइनस y आ गया, इसी तरह आप y माइनस x फाइंड कर सकते हैं, y माइनस x। तो सबसे पहले आपके पास सेट आ जाएगा जी y वाला सेट, y आ जाएगा, सेट y के एलिमेंट्स हमारे पास हैं 4, 8, 12, 16,
2024 माइनस सेट एक्स है 2, 4, 6, 8 कहाँ तक, यानी कि इवन नंबर्स हैं 20 तक। अब जब आप डिफरेंस फाइंड करेंगे वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो फर्स्ट सेट में आ रहे हैं और सेकंड सेट में नहीं आ रहे। 4 भी दोनों में आ रहा है, 8 भी दोनों में आ रहा है, 12 भी आ रहा है, 16 भी, 20 भी, 24 जस्ट एक ऐसा एलिमेंट है जो फर्स्ट सेट में आ रहा है और सेकंड सेट में नहीं आ रहा। अब हमने x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ये पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें जरा, हमें सेट ए गिवन है n, यानी के नेचुरल नंबर्स। सेट ए है, a इज इक्वल टू n, यानी के कौन से नंबर्स, नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसी तरह b इज इक्वल टू w, यानी के होल नंबर्स 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब यहां से हमने फाइंड क्या करना है, a माइनस बी एंड बी माइनस ए। तो a माइनस बी कर लेते हैं, a माइनस बी, a सेट हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन, माइनस बी सेट है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब आपने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो फर्स्ट सेट में आ रहे हैं और सेकंड सेट में नहीं आ रहे। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो फर्स्ट सेट में आ रहा हो और सेकंड सेट में ना आ रहा हो। फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स सेकंड सेट में आ रहे हैं। तो ये एम्प्टी सेट आएगा, इसमें जीरो नहीं आएगा। जीरो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो फर्स्ट सेट में आ रहे हो और सेकंड सेट में ना आ रहे हो। तो जीरो फर्स्ट सेट में नहीं आ रहा, वो सेकंड सेट में आ रहा है। हाँ, जब आप बी माइनस ए करेंगे, देखें बी माइनस ए, अब बी वाला सेट पहले आ जाएगा 0, 1, 2, 3 सो ऑन, माइनस सेट ए आ जाएगा 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब जब आप b माइनस ए करेंगे, अब हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो पहले सेट में आ रहे हों और दूसरे सेट में ना आ रहे हों। तो जीरो, देखें जीरो एक ऐसा एलिमेंट है जो फर्स्ट सेट में आ रहा है और सेकंड सेट में नहीं आ रहा। बाकी सब एलिमेंट्स आपके पास फर्स्ट सेट में भी आ रहे हैं और सेकंड सेट में भी। तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट जीरो आ जाएगा। और ये दोनों सेम नहीं है, ये एम्प्टी सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसमें एक एलिमेंट है, ये सिंगलटन सेट है। ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट होता है उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। तो इसमें आपके पास एक एलिमेंट जीरो है। अब एक्सरसाइज 5.1 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह एक्सरसाइज 5.1 इस लेक्चर में हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे फी अमानिल्लाह।